यूपी के सीएम योगी आज सोनभद्र का दौरा करेंगे। वो उम्भा सपही में हुए हत्याकांड में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के अलावा घायलों से भी मुलाकात करेंगे। योगी घायलों का भी हालचाल लेंगे। इसके बाद सोनभद्र कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र हत्याकांड की तेजी से जांच के लिए निर्देश दिए। डीजीपी से व्यक्तिगत निगरानी के लिए कहा गया है। डीजीपी ओपी सिंह भी योगी के साथ रहेंगे मौजूद। अब तक 29 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। डीजीपी ओपी सिंह को सीएम से मिले थे कड़े निर्देश। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और मिर्जापुर जिला प्रशासन के बीच चल रहा गतिरोध शनिवार दोपहर कांग्रेस महासचिव के सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात के साथ ही समाप्त हो गया। पीड़ित परिवार के सात महिलाओं सहित कुल 15 लोगों ने प्रियंका से मुलाकात की और इसके बाद कांग्रेस महासचिव वाराणसी के लिए रवाना हो गए। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा सोनभद्र। समाजवादी पार्टी 23 जुलाई को सोनभद्र पहुंचेगी। मिर्जापुर भदोही वाराणसी चंदौली से सपाई पहुंचेंगे। सोनभद्र में पीड़ित परिवारों से मिलेगा सपा का डेलीगेशन। बता दें कि सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र के उम्भा सपाही गांव में 17 जुलाई को नरसंहार हुआ था। बीते बुधवार की दोपहर में 100 बीघा विवादित जमीन को लेकर गुर्जर और गौर बिरादरी में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फायरिंग के साथ जमकर लाठी डंडे और फावड़े भी चले। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हुए थे। इसके बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनभद्र हत्याकांड के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो बीजेपी अपना प्रतिनिधिमंडल भेज देती है, लेकिन टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश में जाने नहीं दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे लगता है कि नियमों का पालन होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। एनकाउंटर और मॉब लिंचिंग से 1100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। मेरा मानना है कि चीजों पर गौर किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल सोनभद्र जा रहे थे, जहां वाराणसी पुलिस ने बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर ही टीएमसी नेताओं को रोक दिया और जिसके बाद टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गया। कर्नाटक में जारी सियासी संकट का अंत सोमवार को हो सकता है। कांग्रेस जनता दल सेक्युलर गठबंधन की सरकार को सोमवार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। हालांकि इससे पहले आज बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी। आज शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के विधायकों के जरिए आगे की रणनीति पर चर्चा किए जाने की संभावना है। बता दें कि शुक्रवार को भी सदन में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश ने सदन की कार्यवाही 22 जुलाई यानी कि सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है और अब उम्मीद है कि सोमवार को सरकार के जरिए बहुमत साबित किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत और बिहार शनिवार को भी बाढ़ से जूझते रहे और यहां बारिश जनित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 150 के आंकड़ों को पार कर गई है। पंजाब में 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि असम में बाढ़ का पानी अब घट रहा है। हालांकि 12 और लोगों की मौत की रिपोर्ट के बाद शनिवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है और बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 24 हो गई है। और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का आज वाराणसी दौरा। थोड़ी देर में दिनेश शर्मा पहुंचेंगे वाराणसी। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। पूर्वांचल में सेमिनार में करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा उच्च शिक्षा के विकास में चुनौतियों पर करेंगे चर्चा। सुंदरपुर में करमाजीतपुर के पीजी कॉलेज में होगा कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे हीरक सत्र का भी करेंगे शुभारंभ। गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक जारी। अज्ञात बदमाशों ने मंडल अध्यक्ष पीएस तोमर के अस्पताल में मौत, कार और स्कूटी सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फरार। जानकारी पर पुलिस ने घटनास्थल का किया दौरा। मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके का मामला। लखनऊ में कृष्णनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 73 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश कमल और सिपाही घायल। दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने बदमाश कमल को किया मृत घोषित। संभल में 2 सिपाहियों की हत्या में शामिल था मृतक कमल। कई बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार। एसपी ने पुलिस बल के साथ घंटों तक की कॉम्बैट। बुलंदशहर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश अनुज को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।
दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से हुआ फरार। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। इनामी के खिलाफ एक दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं और पुलिस ने इनामी से बाइक, तमंचा, कई जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो वही बुलंदशहर कोतवाली देहात का ये पूरा मामला है। ललितपुर में डीएम और एसडीएम के निर्देश पर खनिज विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने बिल्डिंग मटेरियल की टालों को चेक करके चालान किया है और चालान से बचने के लिए किसी ने सरकारी आवास निर्माण का दिया हवाला तो किसी ने स्वयं के भवन निर्माण का हवाला दिया है। ललितपुर में आधार कार्ड के लिए जनपद वासियों को करनी पड़ रही है काफी जद्दोजहद और कार्ड बनवाने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में लोगों को सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। तो वहीं पिछले कई महीनों से प्रयास करने और पैसा खर्च करने के बाद भी आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और कार्ड के बिना योजनाओं के लाभ से मासूम बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मुजफ्फरनगर में देहरादून की तरफ से आ रही एक कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसी दौरान कार सवारों ने भागने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर एक रिक्शा चालक को भी टक्कर मार दी जिससे गुस्साई भीड़ ने कार सवारों को जमकर पीटने की कोशिश की और तभी पुलिस ने आरोपियों को भीड़ के चंगुल से बचा लिया। पुलिस ने आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चेकिंग के दौरान कस्टम ने 29.62 लाख रुपए का सोना बरामद किया है और साथ ही एक युवक को भी कस्टम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं हाई प्रेशर वॉशर मशीन में छिपाकर दुबई से तस्करी कर सोना लाया जा रहा था। गाजियाबाद में चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने घेरा है जिससे घबराए बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से लूटी हुई चेन बरामद कर ली है। वहीं कई बदमाश फरार हो गए। बदमाश जितेंद्र पर से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद में एक युवक पड़ोस में रहने वाली दो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करके फरार हो गया। जब इसकी सूचना बच्ची के माता पिता को चली तो उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। संभल में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सभासदों का जोरदार हंगामा। चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सभासदों ने सड़क पर निकाला जुलूस। सभासदों के हंगामा करने पर बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले चेयरमैन ने बैठक स्थगित की। बागपत में ईंटों से पीट पीट कर वृद्ध की हत्या। मामूली कहासुनी में हुआ था विवाद। देर रात हत्यारोपी ने दिया वारदात को अंजाम। खेकड़ा थाना क्षेत्र के औरंगाबाद मोहल्ले का पूरा मामला। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।